नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वो आ रखी है, और जो जेट ICAR BHU की जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो चैप्टर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके दोस्तों, अपन इरीगेशन की बात कर रहे थे, मैं लगातार आपके लिए क्लासें जो हैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। आज अपन देखने जा रहे हैं जो आपकी ड्रिप इरीगेशन है, यानी कि बूंद बूंद जो सिंचाई विधि है, उसको आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आप मेरे साथ साथ आपके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको भरपूर मदद मिल पाए। ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले अपने इरीगेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें डेफिनेशन, जनरल टॉपिक, जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताया था इरीगेशन से रिलेटेड। उसके बाद मैंने आपको जो फुहारा विधि है उसका पूरा का पूरा लेक्चर था वो मैंने आपको बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ जो ड्रिप इरीगेशन है वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या चीज़ होती हैं। आपने सभी ने देखी होगी ड्रिप इरीगेशन, अपने को क्वेश्चनों से मतलब है, बाकी देखने से तो अच्छी बात है, तो आपको क्या है ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ ड्रिप इरीगेशन की, ड्रिप इरीगेशन। नाम तो सभी ने सुना है, हर कोई इसी से परिचित है। हिंदी में क्या बोलते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि। देखिए दोस्तों, ये नाम आपने सुना भी है, और इस विधि को अगर आप किसान के से परिवार से बिलोंग करते हो तो भी आपने देखा होगा। अगर आपने एग्रीकल्चर ले रखा है तो जो आपका फील्ड है, कॉलेज का फील्ड है, उसमें भी आपने देखा होगा, या फिर आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो तो आपको कभी ना कभी जो है पिकनिक के द्वारा, या फिर आपको प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ इसके बारे में बताया जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ड्रिप इरीगेशन की। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये कैसे काम करता है। देखिए, ये दोस्तों अपना खेत है, मान लीजिए ये अपना मैंने एक खेत बना दिया है, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे दूसरा प्लांट है, यहाँ पे तीसरा प्लांट, ऐसे ऐसे करके मैं क्या करता हूँ, क्रम वाइज जो है मैं प्लांट लगा लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से छोटी सी नली टाइप होता है, और यहाँ पे जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे क्या होता है, छोटा सा छेद होता है, उसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, पानी जो है वो गिरता रहता है, और जो ये पानी है ये सीधा का सीधा पौधे की जो रूट सिस्टम होता है, जो जड़ वाला क्षेत्र होता है, उसमें जाके मिलता है। ओके दोस्तों, ये एक ऐसी विधि है जिसमें जो है पानी का हास, जिसे अपन कह सकते हैं नष्ट, अपन कह सकते हैं पानी जो नष्ट है ये बिल्कुल ही कम मात्रा में होता है ना। ये क्यों होता है, इसका एक कारण है, क्योंकि वाष्पीकरण के द्वारा सर्वाधिक जल की हानि होती है, और ये क्या है, बारिश की बूंदों की तरह या फुहारा वाला सिस्टम नहीं है इसमें। ये क्या करता है, जहाँ पर पौधे को पानी की जरूरत होती है वह वहाँ पर जाके पानी गिरता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटे छोटे से ऐसे पाइप लगे हुए होते हैं, और पाइप में से छोटे छोटे छिद्र किए होते हैं, या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा माउल बनाया होता है, जिसे अपन इमीटर या फिर ड्रिपर कहते हैं। उसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, पानी जो है उसका रिसाव होता रहता है, और जो प्लांट है वो आराम से उस पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इस प्रकार से ये विधि काम करती है। अपने क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं उसके ऊपर अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बात करूँ, ये जो ड्रिप इरीगेशन है, थोड़ा सा डी बड़ा कर लो, अच्छा देखना, ये लो ड्रिप इरीगेशन है। अगर मैं बात करूं इसकी खोज, ठीक है दोस्तों, खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, इसके पीछे दोस्तों एक कहानी भी आती है, वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टदार है, मात्र 2-3 सेकंड लगेंगे। एग्रीकल्चर में कहानियां आपको नहीं मिलने को दिखती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस कहानी के ऊपर चलेंगे। आपने नाम सुना है, एक देश है जिसका नाम है इसराइल, क्या नाम है, इसराइल, जरूर हर किसी ने नाम सुना होगा इसराइल का। अगर इसराइल का नाम नहीं सुना तो आप YouTube के ऊपर सर्च कर लेना, गाजा और हमास पर हमला करने वाला शक्तिशाली राष्ट्र कौन सा है, इसराइल है। अभी हाल फिलहाल अभी तक एक मंथ भी नहीं हुआ है और इसने इतना आतंक मचा दिया था, बहुत छोटा सा देश है, राजस्थान का 17वां अपन कह सकते हैं। राजस्थान जो है ये भारत का 10.41% हिस्सा रखता है, लेकिन जो इसराइल है ये राजस्थान का भी
सत्रवां भाग है, यानी कि बहुत ही छोटा है। इसके चारों ओर दोस्तों क्या है, पानी है, और बीच में आप कह सकते हो एक टापू के ऊपर ये बसा हुआ देश है, कौन सा, इजराइल। बात है द्वितीय विश्व युद्ध की, आप लोग जानते हो 1940 और 1939 के समय द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गए थे, ठीक है दोस्तों। तो 1939 और 1940 की बात है, ठीक है ना। तो अमेरिका जो है यूएसए के द्वारा दोस्तों क्या हुआ, इजराइल के ऊपर हमला किया गया। आपको पता है विश्व युद्ध के अंतर्गत एक देश दूसरे देश के ऊपर जो है आप कह सकते हो आक्रमण कर रहा था, तब जो यूएसए वालों ने, अमेरिका वालों ने क्या किया, इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने से दोस्तों हुआ क्या, जो ये वाली बात है, इसने क्या किया, इजराइल छोटा होने के बावजूद भी यूएसए की टक्कर ले रहा था। क्या कर रहा था, टक्कर ले रहा था। अभी भी आप जानते हो छोटा सा देश भले ही है लेकिन बहुत ही खतरनाक देश है ना। आप वीडियो देख सकते हो इसके, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से हमास और गाजा की क्या हाल की थी इसराइल ने, आप लोग सभी लोग जानते हो। तो देखिए दोस्तों, जो यूएसए है इसने क्या कर दिया, हमला कर दिया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में इसराइल है वो भी टक्कर देने लग गया। तभी जो इसके साइड में जो दोस्तों यहां पे जो पानी था, इसके साइड में पानी था, उसके अंतर्गत जो जल था उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, यूएसए वालों ने कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ या फिर रसायन कह सकते हो, केमिकल छोड़ दिए, जिससे क्या है सारा का सारा जो पानी था वो क्या हो गया दोस्तों, आप जानते हो वो क्या हो गया, एकदम से खराब हो गया। बिल्कुल भी वो पानी मतलब योग्य नहीं रहा, कृषि के योग्य नहीं रहा। उसके अंतर्गत जो मछलियां थी जिसका वो एक्सपोर्ट करते थे, वो मछलियां भी अंदर मरने लगी। तो उसमें क्या है, पानी जो है पूरी तरीके से खराब हुआ था। वो क्यों खराब करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो इजराइल जो है ये इसके अंतर्गत काजू, किशमिश, बड़े बड़े जो हैं प्रोडक्ट जो हैं, जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं, वो आसानी से ये उगा लेता है। क्यों, क्योंकि इसके पास पानी की कोई कमी नहीं है। ये 100% सिंचित एक ऐसा राष्ट्र है जो 100% सिंचित है, ऐसा माना जाता है। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर क्या किया भाई साहब, आक्रमण कर दिया, आक्रमण करते इसका पानी खराब कर दिया। तभी एक व्यक्ति हुए, हालांकि व्यक्ति तो दो तीन हुए हैं, लेकिन एक जो नाम आता है जो अपन किताबों में पढ़ते हैं, सिमचा ब्लास, इसका जो है दोस्तों आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, वो टकलू से आदमी आपको दिखाई देंगे, वो सिमचा सा ब्लास है। सिमचा सर ने क्या किया दोस्तों, इसको देखते हुए, इस कंडीशन को देखते हुए, इसके अंतर्गत जो इजराइल के अंदर भी कुछ ना कुछ पानी था, ऐसा नहीं है, आप लोग जानते हो राजस्थान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जो अंदर जो किला है, दुर्ग है, उसके अंतर्गत भी खेती की जाती है। यानी कि अगर बाहर से दुश्मन घेर रहा है तो अंदर भी आप खेती करके आजीविका जो है वो चला सकते हो। तो इसके अंतर्गत जो पानी था उससे लोगों ने क्या किया, कृषि करनी स्टार्ट कर दी। तो आप लोग जानते हो अंदर जो है वो कितने दिन पानी चलेगा, सीमित मात्रा है। अरे भाइयों, सीमित मात्रा है, इसके चलते जो आपकी ड्रिप इरीगेशन है ना, ड्रिप जो इरिगेशन है उसको डेवलप किया गया। किसको डेवलप किया गया, आपके बूंद बूंद जो सिंचाई विधि है इसको जो है डेवलप किया गया, किसके द्वारा, सिमचा ब्लास के द्वारा। कब किया गया, कुछ जो बुके जो हैं वो आपको 1938 से 1940 मैंने खुद भी गूगल के ऊपर सर्च किया था और मैंने कहीं पे देखा है, एक कोई कहीं पे कंडीशन थी वो भी वहां पे बताए थे 1959, हो सकता है ये एकदम से स्थायित्व में ये विधि 1959 में आई हो, लेकिन इसकी जो खोज है दोस्तों वो 1939 और 1940 के मध्य हो चुकी थी। तो देखिए दोस्तों, अगर खोज की बात करें तो इसकी जो खोज है वो कौन से देश के द्वारा की गई है, इजराइल के द्वारा की गई है। कौन से देश के द्वारा, इजराइल के द्वारा की गई है। ओके, किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, तो भाई साहब सिमचा ब्लास, बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं, इतनी टेक्निक। और मैं ऐसे कह दूं, इरिगेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं दोस्तों, सब की सब आपकी इजराइल से जो हैं आती है लमसम। इतनी शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो सबसे पहले इसराइल ने ना विकसित की हो, इरिगेशन से रिलेटेड। और इसका अब जो है ये इतना खतरनाक देश हो गया है भाई साहब, इसके चारों साइड जो हैं वो विकिरणों के द्वारा पूरा का पूरा देश कवर कर रखा है। वो अपने को विकिरणें जो किरणें होती हैं वो अपने को आँखों से नहीं दिखाई देती, अगर कोई अनजान व्यक्ति उनकी सीमा में प्रवेश कर जाता है तो ये विकिरणें जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा है उसका जो शरीर है वो दो भागों में काट देती है। साफ बहुत ही खतरनाक देश है, ठीक है। सिमचा ब्लास ने कब किया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1938 कुछ बताते हैं और कुछ बताते हैं 1940। तो जो राइट आंसर है ज्यादातर आपको 1940 ही मिलता है।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका जो हृदय है, किसका, बूंद बूंद सिंचाई विधि का जो हृदय है वो अपन कैसे मानते हैं। जैसे कि कल अपन पढ़े थे फुहारा विधि, उसका जो हृदय था वो कौन सा था दोस्तों, नोजल था। क्या था? नोजल था। उसी प्रकार इसका जो हृदय है यानी कि बूंद बूंद सिंचाई विधि का जो हृदय है वो है मेरे प्यारे साथियों ई मीटर, या फिर किसी किसी बुकों में आपको ड्रीपर भी मिल जाता है। तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है, ये हृदय जो है ई मीटर, या फिर ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, और ये सिमचा ब्लास वाला भी पूछा गया है और इजराइल वाला भी पूछा गया है। तीन के तीन जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका जो प्रेशर रखा जाता है यानी कि बूंद बूंद जो सिंचाई विधि है, मैंने आपको कैसे बताया, ये क्या करती है, खेत के अंतर्गत यहाँ पे जो है टैंक लगे हुए होते हैं और उधर से क्या है दोस्तों पानी जो है आता रहता है। तो इसके लिए जो अपने को इस प्रकार से दाब रखना चाहिए जिससे क्या है वो आराम से जो है पानी पौधों को मिल पाए। तो देखिए दोस्तों, अगर अपने ज्यादा जो है वो प्रेशर से पानी दे दिया तो हो सकता है जो पाइप है उसमें दिक्कत आ जाए। तो अपने को जो प्रेशर रखना है वो रखना है दोस्तों 2.5 bar, या फिर इसकी इकाई एक और आती है प्रति केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो दाब रखा जाता है दोस्तों वो रखा जाता है 2.5, और आप कहीं कहीं अगर सुंडा वुंडा पढ़ रहे हो तो उसमें आपने देखा होगा ये लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो आपको कतई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बता दिया एवरेज इतना ही होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं ये इसकी जल उपयोग दक्षता कितनी है, जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता का एक टॉपिक लगता है जो मैं आपको करवाऊंगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं प्रीपीजी के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें जो है उसके बेस की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर गया था वो गया था साहब 80 से लेके 90% इसकी क्या होती है, जल उपयोग दक्षता होती है, और किसी किसी बुकों में आपको 90 से 95% इसकी क्या मिलती है, जल उपयोग दक्षता मिलती है। तो भाई साहब अगर वो तो ऑप्शन जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पे किस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात होगी जल उपयोग दक्षता की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, 60 से लेके 70% जल की क्या कर सकते हैं दोस्तों, बचत कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा ये जो है पानी है वो पौधे लेते हैं, जिससे क्या है अपन अगर नॉर्मल जो है पानी देना चाहते हैं तो उसकी वजह से अपन 60 से 70% जो जल है उसकी बचत हो जाती है। क्यों बचत हो जाती है, क्योंकि ये बूंदों के रूप में धीरे धीरे करके गिरता रहता है और पानी जो है वो वेस्ट भी नहीं होता। तो यानी कि 60 से लेके 70% जो जल होता है उसकी क्या होती है दोस्तों, बचत होती रहती है। यानी कि आप 100 लीटर पानी देना चाहते हो एक हेक्टेयर में, तो वो आपका काम जो है दोस्तों 30 से लेके 40% में ही, यानी कि 30 से लेके 40 लीटर में ही वो काम चल सकता है। ऐसा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यानी कि अर्थात सिंचाई क्षेत्र को जो है सिंचाई क्षेत्र को अपन कितना कर सकते हैं, 3 गुना बढ़ा सकते हैं। कहानी समझ में आ रही होगी आपको। ओके, ये तो बात होगी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर की बात करूं तो प्रीपीजी और जेट में शायद दोनों में से एक में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें अगर मैं बात करूं जो ड्रिप इरिगेशन है, बूंद बूंद सिंचाई जो विधि है, ये सर्वाधिक इंडिया में कहां पे यूज में लाई जाती है। ओके, अगर मैं बात करूं इंडिया की, समझना प्यारे साथियों, ठीक है, चाय पी के बैठना, है ना, नींद नहीं आनी चाहिए क्लास में। अगर क्लास में थोड़ी बहुत नींद आने लग गई तो फिर क्लास भाई साहब समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया में ये जो विधि है बूंद बूंद, या फिर आप कह सकते हो ड्रिप इरिगेशन, ये जो विधि है ये कहां पे यूज में लाई जाती है सबसे अधिक, जैसे कि फुहारा का मैंने बताया था पंजाब और हरियाणा, और कुछ कुछ किताबें आपको हरियाणा का थोड़ा सा पहले बता देती है, तो आपको हरियाणा और पंजाब दोनों का याद करना है। तो इंडिया में दोस्तों ये जो विधि है ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत, है ना, महाराष्ट्र के अंतर्गत ये विधि सर्वाधिक यूज में लाई जाती है। यानी कि जो आप बूंद बूंद सिंचाई विधि देख रहे हो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत, है ना, महाराष्ट्र में आपके सर्वाधिक यूज में लाई जाती है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर बात आपसे पूछ ले राजस्थान की,
जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेड आई सी आर बी एच यू, ओनली और ओनली जेड की बात होगी, जेड और आई सी आर एंड प्री पीजी में किए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। राजस्थान में अगर आपसे पूछ लें भाई, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां पे, है ना, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां पे जो है ये सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर अपन बात करें तो लमसम इंडिया के अंतर्गत राजस्थान में लमसम सभी जगह ये यूज में लाई जाती है, इसका कोई अपने को फैक्ट उत्तर नहीं मिलता है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अन्य नाम, यानी कि बूंद बूंद जो सिंचाई विधि है, अन्य नाम, अन्य जो नाम है वो इसका, अन्य जो नाम है वो क्या क्या है, देखिए इसको अपन क्या बोलते हैं, टपका विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं, छोटा छोटा पानी गिरता रहता है बूंदों के रूप में, इसको ट्रिंकल कहते हैं, ट्रिंकल, ट्रिंकल विधि। राजस्थान वाला अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता कि राजस्थान वाला, ये तो क्या है कि अपन फुहारा विधि पढ़ी थी उस समय जो है झुंझुनू में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जा रही थी, तब मेरे को याद आ गया इस चक्कर में, ओके। तो यहाँ पे आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। अन्य नाम क्या है, टपका है, ट्रिंकल है, ये क्या है इसके अन्य नाम है, ओके दोस्तों। ये तो बात हो गई इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन की, उससे अपन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करते हुए कि इसमें और कौन कौन सी चीजें जो हैं वो अपने को देखनी है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं थोड़ा सा रफ करके इसे आगे बढ़ेंगे अपन, जिसमें अपन देखेंगे कि हानि इसमें कौन कौन सी जो है हानि रहती है, यानी कि इसको अपन यूज में ले रहे हैं तो अपने को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, ओके दोस्तों। तो बिल्कुल एक बार मैं थोड़ा सा रजिस्टर देख के रफ कर लूँ, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जनक डॉक्टर कहाँ, हाँ जी, चलो हो गया होगा साहब, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे कंफर्म रूप से, तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ही प्यारा सा जो है ये लेक्चर रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो विधि है इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या लाभ है। अब देखिए लाभ में अगर मैं बताऊं तो ये जो विधि है ये दूरी पर बोई गई फसलों के लिए उपयुक्त रहती है, यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि जो फुहारा विधि जो है ये क्या करती है, जो पास पास बोई गई जो फसलें हैं उसके लिए ही उपयोग में लाई जाती है। दूर दूर अगर आप फसलें ले रहे हो तो उसमें उपयोग में नहीं ले सकते हो, लेकिन इसको अगर दूर दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी आप इस विधि को आराम से प्रयोग में ला सकते हो, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके द्वारा अपन लवणीय पानी की लवणीय या अपन इसको बोल देते हैं खारे पानी के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास खारा पानी है या फिर लवण है पानी में ज़्यादा, तो आप आराम से जो है इस विधि को प्रयोग में ला सकते हो, और इस विधि के द्वारा लवणीय जो क्षारीय मृदाएं हैं, लवणीय क्षारीय मृदाओं के सुधार में काम में लिया जाता है किसको, आपके ड्रिप इरीगेशन को, या फिर अपन कह सकते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि को अपन प्रयोग में ला सकते हैं, ओके दोस्तों। ये तो इसकी बात हो गई, इसके लाभ हो गए, उससे अपन आगे बढ़ते हुए इसकी देखते हैं कुछ ना कुछ इसके अंतर्गत जो कमियां पाई जाती हैं, इसकी हानि है, या फिर इसको अपन कह देते हैं इसकी कमियां, इसमें कौन कौन सी कमियां पाई जाती हैं। तो एक शब्द आता है दोस्तों, इसको जरूर नोट करें, क्लोगिंग। क्लोगिंग क्या चीज होती है, है ना, क्लोगिंग क्या चीज होती है। अब देखिए जैसे ही मैंने क्या कहा, ये अपना मान लो एक पाइप है, छोटा छोटा पाइप जिसमें अपन ड्रिप इरीगेशन दे रहे हैं, उसके अंतर्गत मान लो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हो बीच वाला ये जो पट्टा दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ से जो है वो क्या है दोस्तों, पानी जो है वो बाहर आ रहा है, लगातार उधर से पानी बाहर आता रहता है। तो वो जगह जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, वहाँ पे जो उसके रंध्र होते हैं बाहर आने की जो जगह होती है वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, है ना। जो ड्रिपर होते हैं, जो अपन कह सकते हैं इसका जो हृदय है, इमीटर है, वो क्या होता है दोस्तों, बंद हो जाता है।
इसके चलते अपन क्या करते हैं, इसको सुधार के लिए 0.1% HCl का अपन घोल बना के अगर उसको यूज में लेते हैं तो अपने जो इस प्रॉब्लम से हैं वो छुटकारा अपने को मिल सकता है। अगर मान लो आपको एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ड्रेपर या फिर क्लोगिंग को रोकने के लिए आप कौन सा रसायन यूज में लेंगे, उसमें आपको अगर ब्लाचिंग पाउडर भी दे दें और HCl भी दे दें और H2SO4 भी दे दें और नन ऑफ दिस दे दें, तो उसमें आपको क्या करना है, 0.HCl करना है। अगर आपको HCl ऑप्शन में नहीं मिलता है, HCl ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आपके 0.1% H2SO4 करके आ जाओगे। अगर मान लो क्वेश्चनों की भाषा समझते जाना, अगर जो ड्रिपर है या फिर ई मीटर है उसमें जो आप देखते हो हरे कलर के जो आपको सेवाल दिखाई देते हैं, अगर मान लो वो सेवालों के द्वारा बंद हैं तो आप किसका प्रयोग लोगे। नया क्वेश्चन है, जरूर नोट करें, इसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ब्लाचिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लोगिंग क्या होता है, ठीक है ना, क्लोगिंग क्या होता है, देखिए जो रंध्र होता है या फिर अपन कह सकते हैं ई मीटर के द्वारा, ई मीटर या फिर ड्रिपर के रंध्रों का, जो रंध्र होते हैं छिद्र होते हैं, का बंद हो जाना, ठीक है, बंद हो जाना दोस्तों, वो क्या कहलाता है, आपके क्लोगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, क्लोगिंग कहलाता है। अब देखो, क्लोगिंग को आप कम करना चाहते हो तो आप किसका यूज में लेके आओगे, किसको, कौन से रसायन को यूज में लेके आओगे, तो भाई साहब 0.1% HCl, अगर आपको HCl ऑप्शन में ना मिले तो आप क्या करोगे, तो ऑब्लिक करके आपको लिखना है 0.1% H2SO4 की जो अपन मात्रा प्रयोग में लेंगे। अगर मान लो क्लोगिंग सेवालों के द्वारा हो रही है, एलगी के द्वारा हो रही है, तो आप किसको प्रयोग में लोगे, ब्लाचिंग पाउडर को। ब्लाचिंग पाउडर का अपन क्या करेंगे दोस्तों, प्रयोग करेंगे। ओके, थोड़ा सा लाभ मेरे को और याद आ रहे हैं, इसके द्वारा क्या है, खरपतवार जो है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी, आप जरूर कर लें। ओके, खरपतवार से हानि कम होती है, यानी कि क्या हानि कम होती है। अब देखिए, ये अपन मान लो ये क्या है, ड्रिपर है। अब ड्रिपर देखिए, दो फसलों के मध्य जो दूरी होती है वो क्या होती है, जो फासले हैं वो दूर दूर होते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर अपन चलते रहते हैं तो पानी जो है वो क्या होता है, जो बीच वाली जगह होती है वहां पे पानी जो है वो नहीं मिल पाता, जिससे क्या है, जो अपने जो खरपतवार हैं उनको जो है अच्छी तरीके से पोषण भी नहीं मिल पाता, क्योंकि जब जल ही नहीं मिलेगा तो उनको पोषण भी नहीं मिल पाता है, और जब पोषण नहीं मिल पाता है तो जो खरपतवार हैं वो भी इतने ज़्यादा उग नहीं पाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। और उसके द्वारा अगर दूसरे नंबर की बात करूँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके द्वारा वात्पोसर्जन के द्वारा जो हानि हो रही थी, कितने परसेंटेज, 99% जल की हानि किसके द्वारा हो जाती है, वात्पोसर्जन के द्वारा हो जाती है, यानी कि ये अपना प्लांट है, इसमें अपन साइड में पानी दे रहे थे तो 99% पानी जो भाइयों उड़ जाता था, लेकिन इसमें क्या सिस्टम है, अपन पूरा का पूरा पानी जो है वो रूट सिस्टम के अंतर्गत ही दे रहे हैं, तो जिसके चलते क्या है दोस्तों, जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो हानि हुई थी वो अपने नहीं होगी, तो ये अपने लिए एक लाभ है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो रही हानि को रोकने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिप इरिगेशन को अपन यूज में लेके आ सकते हैं। देखिए, उसके बाद और भी इसके कुछ ना कुछ लाभ पाए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो विधि है दोस्तों, ये फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन के लिए क्या है ये विधि दोस्तों, क्या है, उपयुक्त रहती है। फल वृक्षों के लिए अगर आपसे पूछ ले, फर्टिगेशन के लिए आपको पूछ लेंगे, फर्टिगेशन के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी की सीधी बात है, ड्रिप इरीगेशन या फिर बूंद बूंद सिंचाई विधि। ओके दोस्तों, उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं, दो तीन आपको मैं पॉइंट लिखा रहा हूं जो थोड़े से नए पॉइंट हैं, वो आपको जरूर नोट करने हैं। कल हालांकि मैंने आपको फुहारा पढ़ा दिया था, लेकिन यहां पे थोड़े से नीचे स्टार करके आपको लिखना है कि लिम्पा या फिर इसको बोलते हैं रेनगन का संबंध है भाई साहब, किससे संबंध है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फुहारा विधि। पॉइंट क्लियर हो गया।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लगा रहा हूं कि अगर आप फुहारा विधि के द्वारा सिंचाई करना चाहते हो तो एक होते हैं हवा के चलने की दिशा, एक होती है लीवार्ड और एक होती है विंडवार्ड। ली ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, मतलब वो जा रहा है आईपीएल खेल के, हवा के जाने की दशा, और विंडवार्ड का मतलब क्या होता है, हवा के आने की दशा। मान लो अपन ने क्या किया है, ये अपना जो है ये फुहारा है, ये अपन ने क्या किया दोस्तों, लगा रखा है, ये हवा के जाने की दशा है, हवा के जाने की दशा यानी कि है लीवार्ड है, लीवार्ड है, और ये हवा के आने की दशा यानी कि क्या है, विंडवार्ड है, विंडवार्ड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फुहारा विधि का प्रयोग कर रहे हो तो लीवार्ड और विंडवार्ड की दोनों में से सबसे अधिक जो है वो पानी की हानि किस तरफ होगी और सबसे अधिक पानी किस तरफ गिरेगा। देखिए दोस्तों, हवा अगर ऐसे चल रही है यानी कि हवा के जाने की दिशा इधर है तो पानी का भी जो बहाव होगा वो इधर की तरफ होगा, यानी कि जो विंडवार्ड है वो एकदम सूखा ही रह जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये ध्यान रखें, ये एक नया क्वेश्चन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये विंडवार्ड और लीवार्ड आपको समझ में आ गया होगा। अगर 12 से लेकर 15 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से अगर जो है हवा चल रही है ना दोस्तों, अगर 12 से लेके 15 जो है किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से अगर जो आपके हवा चल रही है तो आपकी फुहारा जो विधि है वो काम नहीं कर पाएगी। क्या काम नहीं कर पाएगी? ओके दोस्तों, सबके मन में एक कंफ्यूजन रहती है कि फल वृक्षों के लिए कौन सी विधि उपयोग में लिया जाती है, फल वृक्षों के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है। आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपने क्या पढ़ा है। बहुत से लोग ऐसे हैं मुझे बताएंगे कि साहब थाला विधि, बिल्कुल आपकी भाई बात राइट है। उसके बाद कुछ कुछ मेरे भाई लोग ऐसे बताएंगे कि वलय, या फिर अपन बोल सकते हैं रिंग मेथड, और कुछ भाई बंधु ऐसे बताएंगे कि बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो दोस्तों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी गया है। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फल वृक्षों के लिए, फल जो फ्रूट्स प्लांट हैं, फल वृक्षों के लिए सबसे उपयुक्त विधि रहती है, उपयुक्त विधि जो है वो कौन सी है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए ड्रिप इरिगेशन। क्या? ड्रिप इरिगेशन यानी कि जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है, ये जो है फल वृक्षों के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी गई है, सबसे अच्छी मानी गई है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई साहब? बूंद बूंद सिंचाई विधि नंबर एक, बूंद बूंद सिंचाई, ये तो एक नंबर है। अगर मान लो बूंद बूंद सिंचाई आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको क्या करके आना है? वले करके आना है, रिंग करके आना है, वले या फिर रिंग करके आना है। और नंबर थर्ड की मैं बात करूं तो नंबर थर्ड पे आ जाएगा थाला विधि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लें। मैंने भी कॉपी के या फिर बोर्ड के टॉप पे लिखा है, तो आप भी टॉप पे लिखें, सबसे उपयुक्त विधि बूंद बूंद सिंचाई विधि है, उसके बाद वलय विधि है, उसके बाद थाला विधि है। थाला जो विधि होती है उसमें थाले तो बनाए जाते हैं, लेकिन जल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करता रहता है, जिससे रोगों की बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। पिछले जो अपने जो पेपर हैं या फिर अपन बोल सकते हैं किताबें हैं, उसके अंतर्गत जो थाला विधि जो है, किताबों के अंतर्गत जो 2017 से पहले किताबें चलती थी उसमें थाला जरूर है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ज़रूर नोट करें। ये अगर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि फल वृक्षों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी रहती है, तो आपकी बूंद बूंद, उसके बाद रिंग मेथड, उसके बाद वलय विधि रहती है। तो आप लिम्पा रेनगन का संबंध फुहारा विधि से है, 12 से 15 किलोमीटर प्रति हावर से अगर तेज हवा चल रही है तो आपकी फुहारा विधि जो है वो काम में नहीं आ सकती। उसके बाद विंडवार्ड और लीवार्ड जो है, लीवार्ड में बारिश अधिक होती है विंडवार्ड की अपेक्षा। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर आप सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, और जितने भी भाई बंधु हैं वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। मेरा तो बस इतना ही कहना है, मेरा प्रयास है, कोशिश करता हूँ आपके लिए, छोटी मोटी भी कोशिश है पर कोशिश है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, ओके, जय हिंद।